गर्मी का टाइम है, नींबू पानी पियो, सत्तू पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो, दही खाओ, खीरे खाओ, नहीं तो फिर ये होगा। अभी बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। आवाज यार अब बताओ जरा, भाई खास रहा है, उसको सत्तू पिलाने चाहिए था लेकिन मैडम उसे मार रही है। देखते हैं आज की मिक्स मैशअप रिएक्शन, सत्तू पिलाने के क्या फायदे होते हैं। यस, पाकिस्तान में सत्तू की बात हो रही है, चाय बहुत महंगी हो चुकी है। तो देखते हैं इस पे मिक्स मैशअप रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन देखने मजा आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो वीडियो लिंक और रिएक्टर्स का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये चाय अब कम पिया करो, सत्तू पियो घोलकर, या फिर लस्सी पी लो। ये अपने आप में अच्छा। मैं कहूंगा एक मेजर साइन है एक डूबते कंट्री का, जो एक बेसिक कमोडिटी जैसे कि चाय ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये तो एक सिंगल एग्जांपल है ना, नहीं ये सिंगल एग्जांपल नहीं है। चाय की जगह सत्तू ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान में एक पेपर क्राइसिस आ चुका है। इंडिया में आप अगर देखो तो एक प्रॉपर पेपर इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ मेजर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल आईटीसी है, उसके अलावा वेरियस और कंपनीज हैं जो इंडिया में ही पेपर ट्रेड ओपन करने क्या पाकिस्तान में कभी एक बड़ी मेजर पेपर इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई। ये लोग पेपर इम्पोर्ट करते थे, अब इंटरनेशनली सिंस पेपर के दाम बढ़ गए हैं तो अब पाकिस्तान की सरकार ये भी सोच रही है कि पेपर इम्पोर्ट ये लोग बैन कर देंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इनकी एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स को हो सकता है कि अगले साल नई किताबें ना मिले, या तो अब देखो इनके यहाँ कोई ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि ई बुक्स दे दे, क्योंकि हस्बैंड के पास मोबाइल फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, स्पेशली रूरल एरिया में। तो ये एक मेजर क्राइसिस है और ये साइंस है एक डूबती इकोनॉमी के, एक ऐसी कंट्री के जिसकी हेल्प में आज के समय आईएमएफ भी नहीं आ रहा, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग तो नहीं आ रहा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान की सरकार बार बार अपने लोगों को ये क्यों कह रही है कि चाय मत पियो, सत्तू को ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में आईएमएफ की सिचुएशन भी हम समझेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ONGC विदेश लिमिटेड, इसने रिसेंटली डिस्कवर किया है ऑयल फॉरेन कंट्री में। आपको बताना है कि ONGC विदेश लिमिटेड ने ऑयल कहां पर डिस्कवर किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान में, फिलीपींस, कोलंबिया या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। पाकिस्तान का जो ये टी क्राइसिस है, जिस तरीके से इनके मिनिस्टर्स लिटरली बार बार आकर मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि अपनी हम कौम को कहेंगे कि चाय मत पियो, फॉर एग्जांपल ये फुटेज बीच में काफी वायरल हुई थी। हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां, क्योंकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। तो ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं है कि यू नो एक राइवल कंट्री है उसके साथ ऐसा हो रहा है। ये बात एक्चुअली वर्ल्ड मीडिया, यूके का मीडिया, यूएस मीडिया, हर देश कवर कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स वाला कंट्री किस तरीके से जगह जगह से पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। चाय कम पीकर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा यहाँ पर बच जाए, क्योंकि देखो इंडिया में तो हम लोग अपनी चाय खुद ग्रो करते हैं, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में चाय ग्रो होती है और जगह भी चाय ग्रो होती है और आराम से हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, हमें चाय इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। इंडिया एक्चुअली काफी बार चाय एक्सपोर्ट करता है, इंडिया एक्चुअली पाकिस्तान को चाय काफी एक्सपोर्ट करता था। बाद में एक टाइम पे आकर इन लोगों ने जब इंडिया के साथ रिलेशन तोड़ दिए तो इनके देश को फिर बाद में अफ्रीका से और जगह से महंगी चाय परचेज करनी पड़ी, और इस वजह से पाकिस्तान के सिर्फ चाय के इम्पोर्ट का बिल $600 मिलियन तक पहुंच गया। जब ये इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, अब देखो मुझे अजीब लगता है ये सेंटेंस यूज करके, जब ये अचानक के ब्रेक लगा ट्रेड करते थे, तो 3.5 साल हो गए इंडिया के साथ ट्रेड किए हुए इनको, तो 3.5 साल पहले आराम से ना ये 300-350 मिलियन डॉलर में अपनी चाय इंपोर्ट कर लेते थे और इंडियन चाय इनके टेस्ट को भी सूट करती थी। मगर जिद होती है, मतलब कुछ मिला भी नहीं, आर्टिकल 370 भी वापस नहीं आया। तो ये होते हैं डिसीजंस कंट्रीज के,
किस तरीके से लोग सफर करते हैं। तो खैर अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर 600 मिलियन डॉलर का बोझ डालती है चाय, और पाकिस्तान के लिए 600 मिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इनके पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे हैं अब 9 मिलियन डॉलर के आसपास। और टोटल अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान पर टोटल विदेशी कर्जा कितना है, ये अफकोर्स ऐसा नहीं है कि एक दो साल में वापस करना है, ये टोटल कर्जा इनको आराम से 10 साल के आसपास वापस करना होगा। ये जो टोटल अमाउंट है ये बैठता है 129 बिलियन US डॉलर्स। तो सिंस फिगर्स इतनी डरावनी है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा अपने लोगों को कि सत्तू पीना स्टार्ट कर दो। देखो सत्तू वैसे मैं आपको बताऊं बहुत हेल्दी होता है, मैं भी कभी कभी सत्तू पीना पसंद करता हूं, मगर चाय के सब्स्टिट्यूट में अगर मान लो चाय पीने का मन कर रहा हो, कोई मुझे कहे कि चाय नहीं सत्तू पी लो, थोड़ा सा और लगेगा। आई मीन इंडिया में तो चाय आपको बताओगे रेडीली अवेलेबल होती है, हर इकोनॉमिक क्लास का आदमी एटलीस्ट चाय तो अफोर्ड कर ही लेता है, तो सत्तू को यूज करना एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर टी ये काफी शॉकिंग है। सत्तू वैसे मैं आपको बता दूं होता क्या है, चने का पाउडर काफी बार बना करना कुछ उसमें और चीजें ऐड करके उसको पानी में मिलाकर पिया जाता है, उसको गर्म नहीं करते, यूजली बस पानी में मिलाकर इसको पीते हैं। और बिहार में अगर देखा जाए तो ये जो सत्तू की ड्रिंक होती है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बाकी उत्तर प्रदेश और पंजाब में सत्तू को खाने में और जगह वेरियस डिशेस में यूज किया जाता है, मगर ये सत्तू की ड्रिंक है जो यहाँ पर ये पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है, इंडिया की बिहार स्टेट में काफी फेमस है। और बिहार में भी आप देखोगे तो ये चाय का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एडिशनली वो लोग पीते हैं शौक में, टेस्टी होता है। बट पाकिस्तान के लिए सैड बात यह है कि इतने सारे बलिदान देने के बावजूद, क्योंकि देखो बलिदान तो इनकी जो मिडिल क्लास है वो दे रही है, पाकिस्तान ने आपको बता होगा मोबाइल फोन इंपोर्ट भी बैन कर दिए हैं, तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास हर जगह सफर कर रही है। इवन जो इनके सुपर रिच है जो थोड़े बहुत पाकिस्तान के मिलियनियर बिलियनियर है, उन पर भी पाकिस्तान की सरकार ने एडिशनल 10% सुपर रिच टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से आज इनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। तो इतने सारे बलिदान दिए जा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मान जाए और पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज ये फाइनली एक्सटेंड कर दे। मगर आईएमएफ के सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के साथ इनके ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको 1996 और 1997 हाँ। के बारे में बताना चाहिए, ये वो साल थे जब पाकिस्तान ने अपने बजट के काम ये नकली बना दिए, ये कोई देश नहीं करता, मैंने आज तक कभी सुना नहीं है कि एक देश इंटरनेशनल कम्युनिटी को झूठ बोल दे कि जी हमारा इतना खर्चा होता है, इतनी सेविंग है, ये हमारी प्रोजेक्शन है। जब आईएमएफ को कुछ साल बाद पता लगा कि इन्होंने जो बजट के नंबर बताए थे 1996 में 1997 में झूठ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तब से पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान के केस में ऑलवेज बी डबल शोर। और इसलिए हम देख रहे हैं कि चाय को कम पीने के बावजूद अपने बिलियनियर्स मिलियनियर्स पर टैक्स लगाने के बावजूद आईएमएफ अभी भी कह रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर। और ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद कन्फर्म करी है कि आईएमएफ स्टिल हैज कंसर्न्स ओवर पाकिस्तान बजट। अब इतनी सारे यहाँ पर सैक्रिफाइसेस देने के बाद ये कंसर्न्स बने हुए हैं, इसका रीजन भी है। रीजन ये है कि पाकिस्तान की सरकार इवन आर्मी झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं ये लोग। आपने काफी बार सुना होगा कि इमरान खान एक बार कहते थे कि अब आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, जबकि होती है, साफ साफ सबने देखा। तो आज भी पाकिस्तान की सरकार इनकी आर्मी ही चला रही है। फिर अभी इंडिया के लिए शॉकिंग केस आया, पाकिस्तान ने आज से कई साल पहले ये कहा था कि 2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड साजिद मीर ये मर गया, ये पाकिस्तान में है ही नहीं, ये कहीं अफगानिस्तान वगैरह में मर गया, ये पाकिस्तान ने कहा था। अब अचानक से आज कल न्यूज आई है पाकिस्तान ने साजिद मीर को धर लिया, इसको जेल में डाल दिया। लोग शॉक्ड है, तुम तो कहते ये मर गया, ये 2009 मुंबई टेरर अटैक का आतंकवादी मर गया, बट ही स्टिल अलाइव। और ये बताया जा रहा है पाकिस्तान ने इसलिए किया है क्योंकि एफएटीएफ की टीम कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में आएगी जांच पड़ताल करने के लिए कि ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या जेन्युइनली इन्होंने आतंकवादी जेल किए हैं या नहीं किए। तो ये सब भी हो रहा है, तो इसी वजह से हमने रिसेंटली ये भी देखा है कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्ट भी सामने आई है कि हो सकता है अगर आईएमएफ पाकिस्तान की हेल्प ना करे तो पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान ये पकड़ा दे चाइना को के लाइए ये हमारी जमीन ले लीजिए, इसके बदले में हमको पैसा दे दो। ना पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे इस रिपोर्ट पर थोड़ा डाउट है, मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसका सौदा करेगा, पता नहीं। और स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब लिटरली चाइना की आर्मी आराम से चाहे तो इस एरिया में एंटर कर सकती है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। तो इसलिए बट ये मैं कहूंगा कि इस पर रिपोर्ट्स आना ही अपने आप में एक संकेत देता है कि पाकिस्तान कितनी डेस्परेशन में आ चुका है। नाउ अब इस सब का सलूशन क्या हो सकता है, देखो मैं यही कहूंगा पाकिस्तान फ्यूचर में यूएस के सामने झुकेगा। आप देखोगे पाकिस्तान इजराइल यूएस से रिलेटेड
मेजर स्टेप्स लेने वाला है इन द नियर फ्यूचर, और इवेंचुअली इनको करना ही होगा ये, नहीं तो अभी चाय गई है, भविष्य में सत्तू बहुत सी चीजों को रिप्लेस कर देगा। इन द एंड पाकिस्तान विल हैव टू टेक सम बिग स्टेप्स। अब वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली ONGC विदेश ने किस देश में ढूंढा है ऑयल, क्रूड ऑयल? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, कोलंबिया। फंटास्टिक, लेकिन अब नहीं बोल पाएगा टी इज फंटास्टिक, एटलीस्ट नॉट इन पाकिस्तान। सत्तू इज फंटास्टिक, सुपर डुपर फंटास्टिक। तो वक्त के साथ चीजें चेंज होती जा रही है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के दिन प्रतिदिन, क्योंकि इकोनॉमी को ठीक करने वाला कोई है नहीं। इनका भी प्रधानमंत्री भी सेट नहीं है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो पता नहीं कौन रहेगा क्या रहेगा। तो इकोनॉमी किसके भरोसे चले, किसको ब्लेम करेगी इकोनॉमी खराब चल रही है? 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया तो कुछ चीज़ें सही नहीं है, मतलब कि कहते हैं बेसिक ही फंडा ठीक नहीं है तो बात की बड़ी बड़ी चीज़ें क्या ठीक होगी। तो ये थी आज की मिक्स मैसेज, आपको मिक्स सेशन देखने मजा आती है, वीडियो लाइक जुगना, चैनल को सब्सक्राइब जुगना। तो मिलते दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग।